हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन दिस वीडियो वी विल डू अ प्रॉपर रैपिड रिवीजन ऑफ सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विच आर यूजफुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ ए फार्मेसी। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम शुरुआत करते हैं डिफरेंट टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स के जो टेस्ट पूछी जाती है, सो नेम ऑफ टेस्ट एंड यूज, ये आपको टेबल याद रखना है। तो सबसे पहले है मॉलिस टेस्ट। ओके, तो मॉलिस टेस्ट इज यूज फॉर ए रिड्यूसिंग सुगर्स। देन नेक्स्ट टेस्ट है आयोडीन टेस्ट। सो आयोडीन टेस्ट परफॉर्म की जाती है फॉर स्टार्च। देन बेनेडिक्ट्स रिएजेंट टेस्ट, इट इज़ फॉर ए रिड्यूसिंग सुगर्स। देन बारफॉइड टेस्ट इज फॉर ए सेम लाइक मॉलिस टेस्ट बट रिडक्शन कैरिड इन ए माइल्ड एसिडिक मीडियम टू डिस्टिंग्विश मोनोसैकेराइड फ्रॉम डाइसैकेराइड। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए आप कौन सी टेस्ट परफॉर्म करोगे, इट इज़ ए बारफॉइड्स टेस्ट। नेक्स्ट इज सेल्विनॉप टेस्ट, इज ऑल्सो फॉर ए कीटोहेक्सोसिस। फोगर्स टेस्ट इज ऑल्सो फॉर कीटोहेक्सोसिस एंड रैपिड फर्फिरल टेस्ट फॉर ए कीटोहेक्सोस। देन सुक्रोज हाइड्रोलिसिस टेस्ट इज परफॉर्म फॉर ए सुक्रोज। सो ये आपको इम्पोर्टेंट टेस्ट याद रखनी है फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट टेबल है कि डिफरेंट टेस्ट फॉर एमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन। ओके, बायोकेमिस्ट्री का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हर बार क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। ओके, सो नेम ऑफ टेस्ट एंड यूज, तो बायूरेट रिएक्शन। ओके, बायूरेट रिएक्शन इट इज़ यूज फॉर टू पेप्टाइड लिंकेज। ओके, देन निनहाइड्रिन रिएक्शन फॉर ए अल्फा अमाइनो एसिड्स। ग्जैंथो प्रोटिक रिएक्शन इज फॉर ए एरोमेटिक एमिनो एसिड्स लाइक फिनाइल एलेनाइन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है, वो है मिलोन्स रिएक्शन फॉर ए फिनोलिक अमाइनो एसिड टायरोसिन। सो मिलोन्स टेस्ट आप कौन से अमाइनो एसिड के लिए परफॉर्म करोगे, तो वो है टायरोसिन। देन हॉपकिंस कोले रिएक्शन इज फॉर ए इंडोल रिंग। ओके, फॉर एग्जांपल जो ट्रिप्टोफेन है उसके लिए आपको परफॉर्म करना है टेस्ट हॉपकिंस कोले। देन साकागुची टेस्ट फॉर ए आर्जिनिन। ओके, साकागुची टेस्ट फॉर आर्जिनिन अमाइनो एसिड। नाइट्रोप्रूसाइड रिएक्शन इज फॉर ए सल्फा हाइड्राइल ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल सिस्टीन अमाइनो एसिड के लिए। सल्फर टेस्ट भी सिस्टीन के लिए करोगे, बिकॉज सिस्टीन जो है कौन सा है, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। तो सिस्टीन एंड मिथियोनिन दोनों के लिए आप टेस्ट करोगे सल्फर टेस्ट। देन पाउलिस टेस्ट इज परफॉर्म फॉर ए हिस्टिडिन। इमिडाजोल रिंग होती है हिस्टिडिन के अंदर, तो उसके लिए आप टेस्ट करोगे पाउलिस टेस्ट। एंड जो फॉलिन्स कोएकेटिव टेस्ट है वो है फॉर फिनोलिक ग्रुप फॉर ए टायरोसिन। ओके, सो एक मिलोन्स टेस्ट भी है जो आप परफॉर्म करते हो टायरोसिन के लिए। ओके, सो ये एक टेस्ट का आपको रिवीजन करना जरूरी है। मोस्ट आईएमपी टेबल आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। देन यू कैन ऑल्सो मेक द नोट्स फ्रॉम दिस इम्पोर्टेंट टेबल। वीडियो को पॉज करिए और आप नोट्स बना सकते हो। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम डिफरेंट टेस्ट फॉर बायोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अवर बॉडी। ओके, फॉर एग्जांपल जो है वो सोडियम हाइपोब्रोमाइड टेस्ट। ओके, सोडियम हाइपोब्रोमाइड टेस्ट तो वो यूज़ की जाती है फॉर डिटेक्शन ऑफ ए यूरिया इन अवर बॉडी। देन स्पेसिफिक यूरियस टेस्ट इज ऑल्सो फॉर ए यूरिया। देन बेनेडिक्ट यूरिक एसिड टेस्ट इज परफॉर्म फॉर ए यूरिक एसिड। देन म्यूरोक्साइड टेस्ट इज फॉर ए यूरिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल कैफीन एंड थियोफाइलिन का डिटेक्शन करने के लिए की जाती है। देन जेफेस टेस्ट इज परफॉर्म फॉर ए क्रिएटिनिन, मोस्ट आईएमपी है, इसको आप मार्क कर सकते हो। जेफेस टेस्ट इज फॉर ए क्रिएटिनिन एस्टिमेशन। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म फॉर द डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिएटिनिन इन ए यूरिन, इट इज़ ए जेफेस टेस्ट। देन ब्लड इन यूरिन
ब्लड इन ए यूरिन, तो इसके लिए की जाती है बेंजाटिडिन टेस्ट। मोस्ट आईएमपी कि समझो कि यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है तो उसके लिए कौन सी टेस्ट परफॉर्म की जाती है, तो बेंजाटिडिन टेस्ट। कीटोन बॉडीज के लिए रोथेरा टेस्ट। ओके, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रोथेरा टेस्ट इज परफॉर्म फॉर ए विच फॉर ए विच एलिमेंट, इट इज ए कीटोन बॉडीज। देन हाइस टेस्ट फॉर ए बाइल सॉल्ट, देन पीटर कोफर्स टेस्ट इज ऑल्सो परफॉर्म फॉर ए बाइल सॉल्ट, देन जिमेलिन टेस्ट इज फॉर ए बाइल पिगमेंट, एंड फॉजेट्स टेस्ट इज ऑल्सो फॉर ए बाइल पिगमेंट्स। आगे देखते हैं हम इम्पोर्टेंट टॉपिक, फॉल इन व्यू मेथड इज फॉर ए ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन। ओके, मेथड का नाम पूछा जा सकता है कि फॉल इन व्यू मेथड इज यूज फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो रहेगा ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन। ब्लड ग्लूकोज का समझो कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसका एस्टिमेशन करने के लिए फॉल इन व्यू मेथड, देन ऑर्थोटोल्यूडिन मेथड एंड ग्लूकोज ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज जीओडी पीओडी, जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीओडी पीओडी इज परफॉर्म फॉर ए विच वन, इट इज ए ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन। सेम वांडरबर्ग्स रिएक्शन इज परफॉर्म फॉर ए सीरम बिलीरुबिन, देन हेनरी कैरावेस मेथड इज फॉर ए सीरम यूरिक एसिड, एंड वेस्टर्न ब्लड टेस्ट इज परफॉर्म फॉर ए कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ए एड्स। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ए एड्स, इट इज ए वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। ओके, आगे करते हैं हम रिवीजन, वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फार्माकोलॉजी की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। सो सबसे पहले है इसके अंदर की डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, तो वो है ड्रग रिफाम्पिसिन की। देन आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, तो वो है जीडोवुडिन की। देन प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉकर इरिथ्रोमाइसिन क्लोराम्फेनिकॉल एंड टेट्रासाइक्लिन। एसीई इनहिबिटर्स कौन से हैं, इट इज ए कैप्टोप्रिल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो निफेडिफिन डिल्टीएजेम। कॉक्स इनहिबिटर्स कौन से हैं, तो फॉर एग्जांपल एस्पिरिन इट इज ए कॉक्स इनहिबिटर। देन गाबा फैसिलेटर तो बेंजोडाइजेपिन्स। एंटी मेटाबोलाइट्स ड्रग कौन सी है एंटी कैंसर के अंदर, इट इज ए मिथोट्रेक्सेट, जो नंबर 8 पे है। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ए मिथोट्रेक्सेट, इट इज ए एंटी मेटाबोलाइट्स। देन नंबर 9 लूप डायूरेटिक, इट इज ए फ्यूरोसामाइड। नंबर 10 हाई सीलिंग डायूरेटिक, इट इज ए स्पायरोनोलैक्टोन। नंबर 11 अल्ट्रेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए क्लोरोक्विन। इनहिबिशन ऑफ ए वायरल रेप्लिकेशन एमांटिडिन एंड ऑसाइक्लोविर। द नंबर 13 H1 ब्लॉकिंग एजेंट, इट इज ए मैपायरामाइन एंड लोराटाडिन। अभी जो रिजल्ट में ESIC की जो एग्जाम हुई थी इसमें से पूछा गया था कि H2 ब्लॉकिंग एजेंट कौन सा है, तो नंबर 14 इट इज ए रानिटिडिन सिमेटिडिन फेमोटिडिन एंड सिप्रोहेप्टिडिन वगैरह जो है वो है H2 ब्लॉकिंग एजेंट। नंबर 15 इट इज ए प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स ओमिप्राजोल एंड ऑलप्राजोल, जितने भी प्राजोल वाली ड्रग है ओमिप्राजोल लेंसोप्राजोल ओके पेंटोप्राजोल वगैरह प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स ड्रग है। देन डीएनए मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर्स, इट इज ए क्विनाक्राइन, जिसको हम मेपाक्राइन भी कहते हैं। देन स्पिंडल पॉइजन, तो वो है विंका एंड ग्रेसियोफुलविन। फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर, इट इज ए DDS। गाबा इनहिबिटर्स कौन से हैं, तो सोडियम वालपोरेट। देन नंबर 20 सिंथेसिस प्रिवेंशन डीएनए सिंथेसिस प्रिवेंशन, इट इज ए नालिडिक्सिक एसिड। देन प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर ऑक्सी फियन ब्यूटाजोन एंड आइबुप्रोफेन। देन माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर, इट इज ए INH, मतलब कि आइसोनी एसिड। नंबर 23 हम देखते हैं फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट, इट इज ए MTX, मतलब कि मेथोट्रेक्सेट PAS पैरामिनो सल्फोनिक एसिड।
DDS and pyra primethamine. Then destruction of DNA structure, it is a MNZ. Inhibition of cell wall synthesis, number 25, it is a beta lactam antibiotics, jitni bhi beta lactam hai, penicillins wagera. Release of norepinephrine, it is a ephedrine. Then ergosterol biosynthesis inhibitors, so clotrimazole, miconazole, ketoconazole wagera jo drugs hai. Then ACH esterase inhibitor, physostigmine, neostigmine, androphonium and metrifonate. Reverse transcriptase inhibitor, number 27 वाला बहुत ही MP है, बहुत बार पूछा गया है कि which of the following is a reverse transcriptase inhibitor, it is a staudin and zidovudin. Inhibition of HIV protease, number 13, it is a amipranavir. DNA gyrase inhibitor, it is a cyanoxazine. Inhibition of DNA polymerase, it is a guciphol. Then NMDA receptor antagonist, okay, it is amantadine, ketamine, dextromethorphan, memantine and nitrous oxide. Then DNA intercalating agent, so donorubicin, doxorubicin wagera jo drug. Number 35, antimitotic agent, it is a amphetanil. Alkylating agent kaun sa hai, it is a thiotepa. Alpha receptor antagonist, phentolamine. Beta receptor antagonist, propranolol. Jitne bhi low wali drugs hai sabhi beta receptor antagonist hai. Alpha receptor antagonist, it is a norepinephrine. Beta receptor agonist, to wo hai salbutamol and isoproterenol. DNA adduct formation, procarbazine. Carbonic anhydrase inhibitor, acetazolamide. काफी बार पूछा गया है, number 42, कि which of the following is a carbonic anhydrase inhibitor, it is a acetazolamide. Then phosphodiesterase inhibitor, PDE, okay, phosphodiesterase inhibitor, it is a theophylline. Thrombin action prevention, it is a heparin. Xanthine oxidase inhibitor, allopurinol. Cholinergic blockage, ipratropium. Adenosine deaminase inhibitor, it is a crisnatepase. And immunomodulation, imiquimod. Amino acid transfer interference, it is a iconazole. And mast cell stabilization, it is a ketocifen. ये जो 50 mechanism of action है उसका हमने revision कर लिया, तो ये topic आप एक बार अच्छे से revision कर लेना. नेक्स्ट है कि ड्रग एंड उसके फेमस साइड इफेक्ट. ओके, सो ग्रे बेबी सिंड्रोम जो है वो है क्लोराम्फेनिकोल के साइड इफेक्ट. पिन पॉइंट पिपिल स्ट्रॉप सिंड्रोम, तो वो है मॉर्फिन के साइड इफेक्ट. देन रेस सिंड्रोम, ओके, थोड़ा जूम करते हैं हम इसको, कि रेस सिंड्रोम इज द मेन साइड इफेक्ट ऑफ ए एस्पिरिन. देन यूरिन कलरेशन, ओके, okay, जो ऑरेंज रेड कलरेशन ऑफ द यूरिन वो साइड इफेक्ट है रिफाम्पिसिन की. फ्रंटल हेडेक, इट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ ए इंडोमिथासिन. कैप्टोप्रिल की जो फेमस साइड इफेक्ट है वो है परसिस्ट ड्राई कफ. ब्लियोमाइसिन, तो ब्लियोमाइसिन की मेन साइड इफेक्ट है पल्मोनरी फाइब्रोसिस. वेनाकोमाइसिन के साइड इफेक्ट है रिडमैन सिंड्रोम. डिकोटेनिक एसिड के कारण हो सकते हैं फ्लसिस. देन स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, इट इज एलोपिरिनॉल एंड सल्फोनेमाइड्स एंड इट्रोकोनाजॉल. ओके, ये तीन आपको ड्रग याद रखनी है फॉर स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम. नेक्स्ट है सल्फोनामाइड की जो मेन साइड इफेक्ट, ओके, इट इज ए कर्टिक टेरस. एमिनोग्लाइकोसाइड की जो मेन साइड इफेक्ट है वो है ऑटोटॉक्सिसिटी. डिसकलरेशन ऑफ टीथ, ओके, डिसकलरेशन ऑफ टीथ, तो वो है साइड इफेक्ट ड्रग टेट्रासाइक्लिन की. देन डॉक्सोरुबिसिन एंड डोनोरुबिसिन, इट इज ए कार्डियोमायोपैथी. देन क्लोरोक्विन की जो साइड इफेक्ट है वो कार्डियोटॉक्सिसिटी, रेटिनोपैथी एंड डिसकलरेशन ऑफ ए हेयर. ओके, सो डिसकलरेशन ऑफ टीथ, तो वो साइड इफेक्ट रहेगी टेट्रासाइक्लिन की. एंड डिसकलरेशन ऑफ हेयर, तो वो रहेगी साइड इफेक्ट क्लोरोक्विन की. एंड डिसकलरेशन और ऑरेंज रेड कलरेशन ऑफ यूरिन, वो रहेगी साइड इफेक्ट
रिफॉर्मेशन की, यूरिन का कलर रिनेशन जो चेंज होता है वो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है साइड इफेक्ट, वो है विन क्रिस्टिन एंड विन ब्लास्टेंट की। इट इज़ ए न्यूरोपैथी। डॉक्सीसाइक्लिन के साइड इफेक्ट है इसोफेगल अल्सरेशन। देन साइक्लोफॉस्फेटमाइड, तो इसकी साइड इफेक्ट है एलोपेसिया। देन सिमेटिडिन एंड स्पायरोनोलैक्टोन, तो इसकी फेमस साइड इफेक्ट है गाइनेकोमास्टिया। ओके, ये खास आपको याद रखना है गाइनेकोमास्टिया किसकी साइड इफेक्ट है, सिमेटिडिन एंड स्पायरोनोलैक्टोन। देन जॉरिज हेक्सहीमर रिएक्शन, जॉरिज हेक्सहीमर रिएक्शन बहुत ही एएमपी है, जिसको जीएच रिएक्शन भी कहा जाता है, वो साइड इफेक्ट है पेनिसिलिन की। देन ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो वो साइड इफेक्ट है एमियोडेरोन की। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, तो वो है सिसप्लेटिन के साइड इफेक्ट। देन सेकेंड बेग सिंड्रोम, एम्फोटेरिसिन बी। देन एस थैलिडोमाइड, थैलिडोमाइड की फेमस साइड इफेक्ट है फोकोमेलिया। देन फिनेटोइन के साइड इफेक्ट है जिंजिवाल हाइपरप्लासिया। वालपोरिक एसिड, तो कर्लिंग ऑफ हेयर। कार्बामेजेफाइन और प्लास्टिक एनीमिया। एंड एंटीकोलिनर्जिक्स की जो साइड इफेक्ट है वो है एट्रोपाइन फीवर। ओके, सो ये जो 28 साइड इफेक्ट है इसका आपको रेगुलर जो है वो रिविजन करना जरूरी है। ओके, अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवीजन का, वो है माइक्रोस्कोपी ऑफ सम इम्पोर्टेंट ड्रग्स। तो वो हम अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो पढ़ेंगे। ओके, सो तब तक आप ये लेक्चर का अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। इफ पॉसिबल यू कैन ऑल्सो मेक द नोट्स फ्रॉम दिस इम्पोर्टेंट लेक्चर। ओके, और जो फ्रेंड्स डायरेक्टली ये पार्ट 5 देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके 1-4 पार्ट्स के लिंक जो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ पे जाके प्रीवियस लेक्चर्स आप सॉल्व कर सकते हो। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।